हमारे मुल्क के मौशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले हमने अपनी US में जो पाकिस्तान अम्बेसी की बिल्डिंग थी वो हमने फोर सेल कर दिया। अब तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान अपने 3 बड़े हवाई अड्डे जो है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इनको आउटसोर्स करने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जल्द इन्हें शायद सेल करने का भी ऐलान कर दिया जाए। इंडिया जो है वो इनको खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि इंडिया को अपने हवाई अड्डे या तो आउटसोर्स कर दे या फिर सेल कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक सियासी फ़ज़ा बनी हुई है ना, वो अफवाहों पे ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कोई इंडिया के हैंडओवर करेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि इस मुल्क के अंदर ना एक इस किस्म की फ़ज़ा पैदा की जाए जिसमें थोड़ी सी सियासी हलचल पैदा हो। ये एक सियासी हवाले से तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कोई इतनी सच्चाई है। हाँ, जहाँ तक वो प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है वो दैट इज़ अदर इशू। पाकिस्तान में और बहुत सारे यानी कि ऐसे अदारे हैं जिनको निजी मलकियत के अंदर वो दिया गया है, वो इस किस्म के मामला ज़रूर हुए हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो तो इतनी ज़्यादा अलर्ट हैं कि यानी कि वो जो उनको सरहद पार से किसी किस्म की ऐसी यानी कि वो मामला जो है ना वो जब नज़र आते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो बड़ा अपना एक नेशनल जो अपना एक रोल होता है उसमें वो अपना वो प्ले करते हैं और उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो है ना वो सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का इसमें कोई यानी कि इसमें कोई मामला पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का तो इतना एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के हवाले से कि यानी कि जब तक वो ये बातें उस वक्त चलती हैं जब एक दोस्ती की फ़ज़ा होती है। तो इंडिया जो है ना वो देखें कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर आपको पता है कि गुज़श्ता 70 साल से वो इस किस्म के यानी कि मामला चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया के एक लिए टेंशन का एक माहौल बने हुए हैं। और इंडिया ने तो अपने किसी रवैये के अंदर किसी किस्म की लचक नहीं की, हालांकि कौम सिदा की करारदादें भी मौजूद हैं इसमें और पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती हैं। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का जो इस्लामी ब्लॉक है, पाकिस्तान का इस्लामी ब्लॉक भी पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है हर धर्मी की, मैं समझता हूँ कि इस खत्े के अंदर जो एक टेंशन का माहौल है वो इंडिया के हठधर्मी का जो है ना वो इशू इसमें वो ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ इस किस्म के जो मरासिम जो हैं वो आगे डिप्लोमेटिकली बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले हमने अपनी US में जो पाकिस्तान अम्बेसी की बिल्डिंग थी वो हमने फोर सेल कर दी। अब पाकिस्तान की 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमने अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने मुल्क के असासे बचा रहा है और हम अपने मुल्क के असासे बेच रहे हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, इंडिया को जो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं वो खुद माशी तौर पर इतनी मजबूत हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड है। वो इंडिया को बाकायदा तौर पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ट्रेड की, ट्रेड के अंदर उनके पास जो ना उनके पास से बैन अवी सतह पर एक खुला मैदान उन्होंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि पाकिस्तान के अंदर सेंशंस हैं, पाकिस्तान अपनी ट्रेड जो है ना वो बड़ी जो है ना वो एक लिमिटेड जो है ना वो उसमें करता है। और दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हमने एक ये बहुत बड़ा यानी कि एक अचीवमेंट की थी CPEC के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जिंदगी मौत का मसला था और ये बहुत राइट टाइम पे हमने डिसीजन लिया था कि हम चाइना के साथ CPEC के अंदर जाएँ और उसके अंदर पाकिस्तान की माशी हालत जो बेहतर हो। और आपने इस तनाजर में देखा है कि वो यानी कि चाइना के अंदर जिस किस्म का वो कोविड का जो इशू बनाया गया और जिन फोर्सेज ने ये वहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा किए, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि चाइना जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ रहा था, ये बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश हुई है। उस साजिश के लिए चाइना की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश की गई है, उसको ट्रैक से हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल से नवाजा हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो अपनी रिवाइवल इसकी होगी, इकोनॉमी रिवाइवल होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक अस्करी क्यादत जो है और जो सियासी क्यादत है वो सही हाथों में है। ये लोग इस चीज़ के ऊपर